अस्सलामुअलैकुम। और मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक छोटी वीडियो से आगाह किया था, वही खबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर अपना जो पाकिस्तान का टूर है फौरी तौर पर मंसूख कर दिया है और उनकी टीम अब पाकिस्तान से वतन वापस जा रही है। आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाना था, लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी हुकूमत की सिक्योरिटी एडवाइस के ऊपर और फिर जो उनके सिक्योरिटी कंसल्टेंट न्यूजीलैंड के मिंडी स्टेडियम मौजूद थे उनसे मुशावरत के बाद खत्म करने का फैसला किया। हालांकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से रब्ता किया था और उन्हें बताया था कि तो वो इंटेलिजेंस के हवाले से बेफिक्र रहे, तमाम जो सिक्योरिटी है वो अपनी तरह मौजूद है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी इस हवाले से क्लियर है और पाकिस्तान इस दौरे को जारी रखना चाहता है। लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अनफॉर्चुनेटली इस सिक्योरिटी ब्रीफिंग और वजादत की यकीन जाने के बावजूद भी दौरे को जो है मंसूख करने का जो है वो फैसला कर लिया। तो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट और हार्ड ब्रेकिंग न्यूज़ है। 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दौरे को फौरी तौर पर खत्म किया गया है और अब न्यूजीलैंड की टीम आज किसी वक्त अपने खुद रवाना होगी। और यकीन तौर पर इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट पर बहुत बुरा पड़ सकता है। न्यूजीलैंड के दौरे के बाद आपको पता है कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा करना है, फिर वेस्ट इंडीज़ से आना है, इसके साथ साथ PSL पूरा पाकिस्तान में होना है। तो ये जो आज मामला हुआ है इसको अब डैमेज कंट्रोल करना पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और बड़ी मुझे डिसअपॉइंटमेंट है कि वज़ीर-ए-आज़म की कॉल के बावजूद भी न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने अपनी टीम को जो है वो वापस बुला लिया। हालांकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान खुद क्रिकेट लेजेंड हैं, बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने इस हवाले से कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड की जो गवर्नमेंट है उनकी प्राइम मिनिस्टर उनके क्रिकेट बोर्ड इस यकीन जानी को उन्होंने नहीं तस्लीम किया और उन्होंने इस दौरे को जारी रखने से मदद कर ली। तो बहुत बड़ी स्टोरी है और मेरी तरह के मुताबिक एक नतीजे में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-दाखिला वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस हवाले से मजीद आगाही को आगाह करेंगे।